हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। क्या होता है द्विसंकर संकरण? सबसे पहले आप जानते हैं कि द्विसंकर संकरण ये मेंडल के द्वारा किया गया संकरण प्रयोग था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था। मेंडल ने दो संकरण प्रयोग किए थे जिन्हें हम एक जीनी वंशागति मोनोहाइब्रिड क्रॉस और द्विजीनी वंशागति मतलब दो जीनी वंशागति दैट इज डायहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। आज का ये सेशन आपको डायहाइब्रिड क्रॉस को सिखाएगा, राइट डियर? सो तैयार रहें बिल्कुल। डायहाइब्रिड क्रॉस में आपको मैं बताने वाला हूं कैसे दो लक्षणों की वंशागति का हम अध्ययन एक साथ करते हैं। चेकरबोर्ड के माध्यम से पूरी वंशागति देखेंगे, F1PD, F2PD, फीनोटाइप, जीनोटाइप, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले अगर स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि सर परिभाषा क्या होगी, मैं अगर डायहाइब्रिड क्रॉस की परिभाषा लिखना चाहूं तो क्या परिभाषा होगी, तो भैया देखो सीधी सी परिभाषा है, जब किन्हीं, मैं क्या कहता हूं, जब किन्हीं दो लक्षणों, जब किन्हीं दो लक्षणों, दो लक्षणों, दो विपर्यासी लक्षणों लिखता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, दो विपर्यासी मतलब कॉन्ट्रास्टिंग विपर्यासी लक्षणों की वंशागति, की वंशागति का अध्ययन, की वंशागति का अध्ययन साथ एक साथ किया जाता है, एक साथ किया जाता है, एक साथ किया जाता है, तो ऐसे संकरण, तो इस संकरण को, तो इस संकरण को द्विसंकर संकरण, तो इसके क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण या डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे बच्चों? आप कहते हैं इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अच्छा, एक और बात है कि इस डायहाइब्रिड क्रॉस को हम एक और नाम से जानते हैं, याद रखना, इसे दो जीन वंशागति, टू जीन इनहेरिटेंस, है ना, दो जीन वंशागति, दो जीन वंशागति भी कहते हैं या भी कहा जाता है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि हम यहां पर दो लक्षणों की वंशागति को साथ में पढ़ने वाले हैं। अब वो लक्षण क्या, कौन कौन से हैं, आप कहते हैं उदाहरण के लिए, आप कहते हैं जैसे, जैसे पहला लक्षण आपने कहा बीज का आकार, बीज का आकार, शेप ऑफ सीड। और बीज का आकार में दोनों लक्षण कौन से होंगे, एक तो होगा गोल बीज, है ना, राउंडेड सीड, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये प्रभावी लक्षण होगा, कैसा होगा, प्रभावी होगा। और दूसरा जो होगा वो रिंकल जो है सीड होगा, जिसे हम झुर्रीदार बीज और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैसा होगा, आप कहते हैं ये रिसेसिव होगा, अप्रभावी होगा। नाउ बात आती है कि दूसरा लक्षण कौन सा होना चाहिए। सर दूसरा लक्षण होता है अपना कलर ऑफ सीड, कोट भी कह सकते हो, सीड कोट कलर। तो यहां पर कलर दो प्रकार का होता है, प्रभावी जो है वो पीला मतलब येलो होता है, जिसे हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो है उसे हरा, हरा मींस स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अप्रभावी होता है। कैसा होता है, आप कहते हैं अप्रभावी होता है। तो यहां पर हम इन दो लक्षणों की वंशागति को साथ में पढ़ने वाले हैं। ओके डियर, चलो तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण सहित समझते हैं। तो याद रखना, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, यस, जब उदाहरण क्या कहते हैं, जब गोल हरे, गोल सॉरी पीले एवं झुर्रीदार और हरे, झुर्रीदार हरे बीज का, बीज वाले मटर के, वाले मटर के पौधों में, पौधों के मध्य संकरण, मध्य संकरण करवाया जाता है, करवाया जाता है,
ठीक है, करवाया जाता है। तो आपने इन दोनों लक्षणों को लेकर संकरण प्रयोग करने हैं, राइट। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं आप कहते हैं पैरेंटल जेनरेशन, जिसे जनकीय पीढ़ी कहा जाता है, और इस जनकीय पीढ़ी को अपन कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जनकीय पीढ़ी में कौन कौन रहेंगे? सर एक तो गोल और पीले बीज वाला रहेगा, है ना, गोल और पीले बीज वाला रहेगा। आप इसको मेल फीमेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, और इसको हम कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। और दूसरा रहेगा यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और ये यहाँ पर झुर्रीदार मीन्स रिंकल्ड और हरे बीज वाले होंगे, है ना, हरे बीज वाले होंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप जब युग्मक, भाई आपको पता है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके मध्य होता है? आप कहते हैं युग्मक के मध्य होता है। अब बात यह आती है कि सर इसमें से युग्मक कैसे निकालें, तो उसके लिए चेक करते हैं युग्मक ज्ञात करने का तरीका। यस, ये आपका थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो यहां पर हम बात करेंगे युग्मकों की संख्या ज्ञात करना, है ना, कैसे नंबर ऑफ गैमेट्स प्राप्त किए जाते हैं ज्ञात करना, राइट। इसके लिए एक फॉर्मूला है, सूत्र है इसका, युग्मकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। सूत्र कहता है 2n। क्या कहता है भाई देखो समझना, पहले बात समझना कैसे युग्मकों की संख्या ज्ञात करनी होती है, युग्मकों की संख्या कैसे ज्ञात करनी होती है, उसका फॉर्मूला है। देखो अगर मैं थोड़ा सा इसमें देखता हूं, एन की पावर 2 से करते हैं, किससे करते हैं, एन की पावर 2 से करते हैं, राइट। चलिए नाउ दो, देखो इसके फॉर्मूले में चलो युग्मकों की संख्या ज्ञात करना फॉर्मूला देखते हैं। अच्छा फॉर्मूले में एक बात याद रखना, फॉर्मूले के अंदर मेन बात क्या है आप देखते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने दो स्थितियां बताता हूं, एक तो बताता हूं एन बाई टू, एन बाई टू में क्या होगा, एन का मतलब क्या है, देखो ध्यान देना, एन का मतलब है नंबर ऑफ हेट्रोगैमस, मतलब विषम युग्मकियों की संख्या, विषम युग्मकों की संख्या, ठीक है। अगर आपके सामने एन इक्वल टू वन है, इफ देखो याद रखना, इफ एन इक्वल टू वन, तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, यहां क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर वन वन, राइट, एन इक्वल टू, पहले एन इक्वल टू जीरो करते हैं, एन इक्वल टू जीरो, एन जीरो है, तो आपने कहा जीरो की पावर टू, भाई जीरो की पावर टू, जीरो की पावर टू क्या होती है, आप कहते हैं जीरो की पावर टू होता है वन, क्या होता है वन, जीरो की पावर टू क्या होता है, आप कहते हैं वन, एन की पावर वन, तो आप क्या कहें, अगर n की पावर 1 है तो आप कहते हैं 1 की पावर 2, भाई 1 की पावर 2, राइट। अब एग्जांपल देके बताओ सर, जैसे जैसे ये 1 आया ना, तो इसका एग्जांपल देके बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने क्या किया, कैपिटल आर देखा, ये कंडीशन है। अब बताओ इसमें एन बराबर विषम युग्मजी कितने हैं, एन बराबर जीरो है, तो क्या हो जाएगा भाई, एन बराबर जीरो है, तो आपने फॉर्मूला रख दिया जीरो की पावर टू इक्वल टू वन, तो आपका गैमेट कितना निकलेगा, वन आ गया। इसी तरह से एन बराबर वन है ना, आपने देखा जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, अब फॉर्मूला रख देते हैं वन की पावर टू, भाई वन की पावर टू, इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आप इस तरह से आगे इनको कैरी कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग जो है देखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से देखो, एक तो ये तरीका हो गया, तो n इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू वन, n इक्वल टू टू, आप ऐसे करके देख सकते हो, राइट, दो के पावर आप टू की पावर टू कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो यहां पर देखते हैं, यहां पर कितना होना चाहिए, एक ही आना चाहिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, यहां आया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये स्थिति आ गई। और ये कैसे हैं, आप कहेंगे ये सभी संकर या हाइब्रिड गोल हैं और पीले हैं, ये स्थिति यहां पर इनको प्राप्त होती है। अब आप इनमें क्या करवाते हैं, सेल्फिंग, आप क्या करवाते हैं, सेल्फिंग,
या जिसको स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण करवाते हैं। अब स्वपरागण करवाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी, देखो ध्यान रखना, स्वपरागण करवाएंगे तो यहां पर आपको F2 जनरेशन प्राप्त होगी, F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब ये बात आपको क्लियर है कि भाई जब भी हम कभी स्वपरागण करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में, सेल्फिंग करवाते हैं तो सेल्फिंग में उसी का उसी के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो क्या स्थिति बनेगी, यहां पर इस चेकर बोर्ड के माध्यम से इस चीज को हम यहां देखेंगे। सो चार कॉलम बना लेते हैं क्योंकि गैमेट कितने बनेंगे, चार गैमेट बनेंगे, तो चार कॉलम हमने बना लिए। कितने कॉलम बना लिए हमने, चार कॉलम बना लिए, चार गैमेट बनेंगे इसलिए चार कॉलम, इधर भी चार कर लेते हैं। कौन कौन से गैमेट बनेंगे, सर आप जब उनमें क्रॉस करवाते हैं तो गैमेट्स क्या बनते हैं, ये आपके युग्मक बनेंगे इस तरह से, यहां भी आपने युग्मक लिख दिया, हाँ ये भी आपने युग्मक लिख दिया। कौन कौन से युग्मक बनते हैं भाई, आप सेल्फिंग करवा रहे हैं तो इसी का इसी में हो रहा है, क्या हो रहा है, इसी का इसी में आप देख रहे हैं, इधर भी ये स्थिति बनेगी, यस देखो ये स्थिति बनेगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से करवा रहे हैं। तो पहले युग्मक कैसे बनेंगे, पहले का पहले से, है ना, आपने कहा सर n की पावर 2, तो n कितने हैं 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 हो गए, ठीक है, तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, फिर दूसरे का पहले से और दूसरे का दूसरे से, ये कंडीशन रहती है। यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, आप इसको चेकर बोर्ड को पूरा फिल कर लेते हैं, फिल करेंगे तो फटाफट से कर देता हूँ मैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई सॉरी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह से मैं इसको फिल कर देता हूँ पूरा। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर कैप स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई नहीं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, इधर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यस ये आप देखें टोटल 60 कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं, 16 कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं। इसमें आप देखेंगे 9 जो होते हैं गोल और हरे होंगे, ये सॉरी गोल और पीले हैं, 9 गोल और पीले होंगे, देख लो यहाँ पर गोल पीले क्यों आ रहे हैं, सर हम जानते हैं कि जो प्रभावी लक्षण होता है डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है वो होमोजाइगस और हेटरोजाइगस समयुग्मजी विषमयुग्मजी दोनों स्थितियों में अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रकट करता है, तो जहां पर भी आपको होमोजाइगस हेटरोजाइगस कंडीशन मिलेगी वो उसी तरह का लक्षण जो है प्रभावी लक्षण अभिव्यक्त होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये भी कैसे हैं गोल और पीले हैं, इधर भी देखो ये कैपिटल आर है तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए गोल होना चाहिए, और कैपिटल वाई है इसलिए यहाँ पर पीला भी होना चाहिए गोल पीला, इधर भी कैसा होगा आप कहते हैं गोल और पीला होगा क्योंकि हेटरोजाइगस कंडीशन है, इधर देखते हैं इधर भी गोल होगा लेकिन यहाँ पर हरा होगा, इधर गोल होगा लेकिन पीला होगा, इधर गोल होगा लेकिन हरा होगा, राइट यहाँ पर गोल पीला है यहाँ भी गोल पीला है यहाँ गोल पीला है यहाँ गोल हरा है यहाँ झुर्रीदार पीला है यहाँ झुर्रीदार पीला है यहाँ झुर्रीदार हरा है सॉरी झुर्रीदार पीला है, ठीक है राइट एंड यहाँ पर झुर्रीदार और हरा है। इस तरह से हम यहाँ पर देखने वाले हैं F2PD का, है ना, डायहाइब्रिड क्रॉस में F2PD का पहले देखेंगे फिनोटाइप, पहले देखेंगे फिनोटाइप फिनोटाइप रेशियो,
इस फिनोटाइप रेशियो को कहते हैं लक्षण प्ररूप अनुपात, लक्षण प्ररूप अनुपात, ठीक है। और लक्षण प्ररूप अनुपात में, हाँ भाई क्या देखते हैं आप? तो डियर एफ टू पी डी का रेशियो जो होगा वो क्या रहेगा, आप देखते हैं यहाँ पर 9:3:1। इसमें आप देखेंगे गोल, 9 गोल और पीले रहेंगे, राइट। और जो है 3 जो है इसमें गोल और हरे रहेंगे, राइट। इसमें 3 जो रहेंगे वो झुर्रीदार और पीले रहेंगे, और 1 जो रहेगा वो झुर्रीदार और हरा रहेगा, राइट। हाँ राइट। अब यहां से देखते हैं इसका जीनोटाइप अनुपात, जिसे जीन प्रारूप अनुपात कहते हैं। अब जीन प्रारूप क्या होगा, ये जो 9 है इनमें आप देखेंगे एक अनुपात दो अनुपात चार ये स्थिति मिलेगी। मतलब इसका होगा एक कैसा होगा, इसमें एक होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। दो होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दो होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। और 4 होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। समझ गए बात को, पहले तो ये याद रखना है। सेकंड देखो, 3 कैसे होंगे, 3 होंगे एक अनुपात दो में। ये भी होंगे 1:2 और ये होगा 1। एक कैसा होगा, गोल हरे, गोल मतलब इसमें कैसा होना चाहिए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल वाई। दो होंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दो होंगे गोल और हरे में। अच्छा अब इसकी बात करते हैं झुर्रीदार की। एक कैसा होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। दो होंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और एक होगा जो स्मॉल आर स्मॉल वाई को दर्शाएगा। इस तरह से 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं, देख लो। दो ये 9 9 3 3 1 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं, राइट डियर। बोलिए क्लियर हुआ? राइट डियर। तो इस तरह से ये आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो प्राप्त होता है। अब हमारे एनसीईआरटी कहती है कि आप देखेंगे गोल, आप एनसीईआरटी क्या कहती है कि आप देखेंगे यहां पर पीले और हरे, या गोल और पीले जो भी लक्षण हैं आप इनका रेशियो देख सकते हैं
तीन अनुपात एक संकर संकरण के समान ही 3:1 के रूप में आपको इनका रेशियो मिल सकता है, क्योंकि आप किसी का भी लक्षण देख के चलो, जैसे मान लो गोल और झुर्रीदार का रेशियो देखते हैं, राइट। आप देखना यहां पर गोल और झुर्रीदार, गोल है ना और झुर्रीदार, गोल और झुर्रीदार का रेशियो देखें तो जो गोल कितने हैं टोटल 9+3 कितने हुए 12, झुर्रीदार कितने हैं 3+1=4 कितने हैं 12 हैं ये और ये 4 हैं, तो इनका रेशियो देखेंगे तो कितना आता है 3:1 आता है 3:1, जो कि एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी के है ना के रेशियो के बराबर है, के रेशियो के समान ही समान है ना, ये बात कही जाती है। सो डियर, ये आपका टॉपिक था द्विसंकर संकरण, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नाउ आपको पता है कि स्टूडेंट की भारी भरकम डिमांड पर है ना, और उन डिमांड ये थी कि बिग समर सेल जो चल रही थी उसको बढ़ाने की जो है रिक्वेस्ट की जा रही थी, काफी फोन कॉल्स और मैसेज आ रहे थे। सो ऑन स्टूडेंट डिमांड बिग समर सेल को बढ़ा दिया गया है 30 जून तक, बिल्कुल बच्चों 30 जून तक इस सेल को बढ़ा दिया गया है। इस सेल में आपको उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के सभी कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप चाहें तो इसमें 13% का और अतिरिक्त डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए आपको यूज करना होगा UC13 कोड। UC13 कोड यूज करके आप एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट और प्राप्त कर सकते हैं। उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के जो कोर्सेज हैं उनमें आप देखते हैं कि 6 to 8 में आपको 2000, 9th, 10th का केवल 3000 और 11th, 12th के आर्ट्स साइंस के लाइव कोर्सेज आपको केवल मात्र 3500 रुपये में ही मिल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इसके अलावा और भी बता देता हूं पहले, अतिरिक्त 13% का याद रखना कूपन अप्लाई करना पड़ेगा आपको, कूपन कोड UC13 अप्लाई करना होगा। नाउ अब इसके अलावा अगर कोई बच्चा चाहता है, क्या सर बच्चा चाहता है कॉमर्स और आर्ट साइंस के रिकॉर्डेड कोर्स चाहता है, तो कॉमर्स के 2500 में और बाकी 2500 रुपये में रिकॉर्डेड कोर्स भी उपलब्ध हैं। नाउ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाई उत्कर्ष ही क्यों, उत्कर्ष ही क्यों, तो उत्कर्ष होने का कारण है क्योंकि उत्कर्ष पर ही केवल आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उत्कर्ष ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उन पर ही आपको ये बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ऐसे टीचर्स हैं जो एक्सपीरियंस टीचर हैं, आपको ना केवल पढ़ाते हैं बिल्कुल आपके दिमाग में सेटल कर देते हैं टॉपिक को, तो आपको टीचर बेस्ट मिलेंगे, आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, लाइव तो आप पढ़ते ही हैं, अगर आप क्लास मिस कर जाते हैं तो रिकॉर्डेड भी आपको लेक्चर उसका मिल जाएगा, ऑडियो लेक्चर भी मिलता है, स्मार्ट ई नोट्स और ई बुक भी आपको, पूरी NCERT बुक आपको मिलती है, ई नोट्स आपको मिलते हैं, क्लास PDF जो क्लास हो चुकी है वो क्लास का PDF भी आपको मिल जाता है, एंड साथ में Term 1, Term 2, Term 3 हाफ ईयरली एंड एग्जाम प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, इन सभी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, एंड साथ में आप देखते हैं ऑल इंडिया वीकली टेस्ट सीरीज भी चलती है, एंड बच्चों को प्रैक्टिस MCQs भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सो डियर, देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें उत्कर्ष ऑनलाइन के कोर्सेज को, उत्कर्ष ऑनलाइन ऐप में आज ही अपना जो है स्थान प्राप्त करें और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाएं। थैंक यू सो मच।